नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले दो दिन हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। केरल में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। वहीं कई जिलों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति के चलते 6 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन लोग लापता हैं। वहीं राज्य के अधिकारियों ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है। सिंघू बॉर्डर पर हुए हत्या मामले में अब तक कुल 4 निहंग सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से सरबजीत सिंह ने हत्या के 15 घंटे बाद सिंघू बॉर्डर पर सरेंडर कर दिया था। वहीं शनिवार को नारायण सिंह ने अमृतसर में और भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर कुंडली पुलिस के सामने सरेंडर किया। मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन के रिमांड पर लिया। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला। सरकारी तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल की कीमतों में भी 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 105.84 रुपए और डीजल 94.57 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार पहुंच चुका। साइबर सिटी गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, समस्याओं का निपटारा भी किया गया। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी जानकारियां साझा की। सीएम ने गुरुग्राम में नमाज को लेकर विरोध पर कहा कि प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिन्हित जगहों पर ही धार्मिक आयोजन होने चाहिए। इसी के साथ सीएम ने एलनाबाद चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि बीजेपी विकास के दम पर उपचुनाव लड़ रही है। विपक्ष चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जीतेंगे सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ही। गुरुग्राम के सेक्टर 32 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संसाधन भवन के नाम से आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि कार्यालय लगभग 1.5 एकड़ की जमीन पर 45 करोड़ की लागत से बनकर तैयार किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। जेपी दलाल ने घटना को अमानवीय बताया है। उनका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान जेपी दलाल ने युवक की निर्मम हत्या के बहाने किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि आंदोलन में शरारती तत्व घुसे हुए हैं। हरियाणा के 57 तैराक नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तैराक शामिल है। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के प्रधान सांसद धर्मवीर ने सभी तैराकों को विजय का आशीर्वाद दिया। इस दौरान सांसद धर्मवीर ने नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तैराकों और कोचिंग स्टाफ को हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन की जर्सी भी भेंट की।
सांसद धर्मवीर का कहना है कि इस बार हरियाणा के तैराक नेशनल स्विमिंग में सबसे ज्यादा मेडल जीत कर आएंगे और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए विधायक गोपाल कांडा का तूफानी प्रचार जारी है। आज गोपाल कांडा नौगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला भी मौजूद रहेंगे। एलनाबाद उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रखी है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन से प्रत्याशी गोविंद कांडा ने सरकार की नीतियों का साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। गोविंद कांडा का शाहपुरिया गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया, साथ ही जीत का भरोसा दिलाया। लोगों को उम्मीद जताई कि क्षेत्र की बरसों पुरानी समस्या सरकार में हिस्सेदारी से हल हो सकती है। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा चुनाव प्रचार के लिए एलनाबाद के गांव माखो सरानी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। गोविंद कांडा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका एक वोट सीधा सीएम को जाएगा और जीत के बाद वो एलनाबाद में विकास की बहार ला देंगे। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा चुनावी प्रचार के लिए करमशाना गांव पहुंचे, यहां उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानी। गोविंद कांडा ने इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। गोविंद कांडा ने कहा कि विपक्षी नेता किसानों के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। गोविंद कांडा ने कहा कि एलनाबाद के पूर्व विधायक इलाके की समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। गांव जमाल में भी विधायक गोपाल कांडा ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान गोपाल कांडा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गोपाल कांडा ने मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों और बुजुर्गों की समस्याएं भी सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से सही सड़क और गांव के विकास के लिए इंतजार कर रहे हैं। गोपाल कांडा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जीत के बाद उनकी सभी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या मामले में बयान देते हुए कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या को बड़े ही निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने कुमारी सैलजा के बयान के सवाल पर भी प्रतिक्रिया दी। जब हुड्डा से पूछा गया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का कहना है कि उन्हें सीधी जानकारी ना मिलकर मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधे कुमारी सैलजा से सारी बातें करते हैं। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस के मौके पर एनएसजी के कमांडो ने अपना शौर्य दिखाया। फरियाबाद में सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। बाजारों में टमाटर के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, वहीं प्याज भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हरियाणा में कोरोना के संक्रमण दर में कमी आई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,71,061 हो गई। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चल रहा है। बीते एक दिन में पहली और दूसरी डोज मिलाकर कुल 78,834 डोज लगाई गई। कोरोना के खिलाफ जंग में आम लोग भी जागरूक दिख रहे हैं और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जींद के चाना कस्बे के छात्र गांव में अनुसूचित जाति के 150 परिवारों के बहिष्कार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अनुसूचित जाति के लोगों ने जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया था। साथ ही उच्च जाति के 23 लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी की। वहीं मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि मामले में 23 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एक कबड्डी मैच के दौरान दलित युवक के साथ झगड़ा का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। इस दौरान पीड़ित पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। जब शिकायत वापस नहीं ली गई तो बड़ी संख्या में लोगों का बहिष्कार कर दिया गया।
सोना के भोंडसे स्थित बीएसएफ कैंप में कार्यरत हेड कांस्टेबल उत्तम कुमार ने पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि मृतक हंसरा का रहने वाला था। अभी तक खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही असली वजहों का खुलासा होगा। फतेहाबाद में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 20 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में डेंगू संक्रमितों की संख्या 125 हो गई। फरीदाबाद के छाइसा गांव से होकर बहने वाली यमुना नदी में स्नान के दौरान 17 साल के अनुज और उसके दो चचेरे भाई पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश शुरू कर दी। फतेहाबाद में धान की कटाई के साथ ही पराली में आग लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। गांव धोलू में किसान द्वारा पराली में आग लगाने की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। इस दौरान पराली में आग लगाने वाले किसान पर जुर्माना लगाया गया। बता दें कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला एक आरोपी करनाल पुलिस ने काबू किया है। पूछताछ में आरोपी ने सेक्टर 8 और सेक्टर 6 से स्नैचिंग की दो वारदातों को अंजाम देने के बारे में खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि वह स्मैक का नशा करने का आदी है और इसी नशे की पूर्ति के लिए स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक बुलेट मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। अनाज मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे उपमंडल अधिकारी और लेबर यूनियन के प्रधान ने मौके पर पहुंचकर बिना झाड़े और बिना तोल के भरा जा रहा धान मार्केट कमेटी के अधिकारियों को दिखाया। उपमंडल अधिकारी उदय सिंह ने कानावाली की धान मंडी का निरीक्षण किया तो वहां मौके पर लेबर यूनियन के प्रधान और लेबर यूनियन के लोग पहुंचे। वहीं कर्मचारी कैमरे से बचते हुए नजर आए। वहीं लेबर यूनियन के प्रधान की ओर से बार बार एक बात कही जा रही थी कि धान को चेक करें, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। गोहाना के गांव भावड़ में दिव्यांग पेंशन बनाने में एक फर्जीवाड़ा सामने आया था। समाज कल्याण विभाग को फर्जी पेंशन धारकों की कितनी राशि की रिकवरी करनी है, ये जानकारी आरटीआई में अलग अलग दी गई है। साल 2018 में विभाग की ओर से ये राशि 39,42,000 रुपए बनती थी और चार साल में ये राशि बढ़ने के बजाय कम हो गई। हाल ही में विभाग ने जो जानकारी दी है उसमें रिकवरी राशि 19,18,000 रुपए बताई गई है, जबकि विभाग की तरफ से अभी तक रिकवरी 6,28,000 रुपए हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता ने विभाग द्वारा दी गई जानकारी पर सवाल उठाया। इस मामले में अब तक की कार्रवाई जानने के लिए संजय की पत्नी सीमा ने जून 2021 में आरटीआई से कई बिंदुओं को लेकर जानकारी मांगी। आरटीआई का जवाब आया कि जिले में कुल 10,302 पेंशन धारक है। गांव भावड़ा में दिव्यांग नहीं मिलने पर अपात्र लोगों पर कुल रिकवरी 19,18,293 रुपए बनती है। हांसी में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोर देर रात एक घर में सेंध मारी कर 10 तोले सोना और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक युवराज मेहता ने बताया कि वो परिवार के साथ गांव सीपर में माता की अर्चना करने गए थे। पीछे से चोरों ने गली के दरवाजे में लगा ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में देर रात पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक के खिलाफ केस दर्ज था, जिसको लेकर पुलिस ने मृतक को रिमांड पर लिया था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डीएसपी ने बताया कि इंद्री इलाके के निवासी मिंटू के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह कस्टडी से फरार हो गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने मिंटू को दोबारा गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया था। इस दौरान अचानक उसकी छाती में दर्द होने लगा, जिसको अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। करनाल के सिरसी गांव के समीप एक ट्रक ने कंबाइन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे करनाल के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया। बताया जा रहा है कि रात के समय कंबाइन सड़क के किनारे खड़ी थी। इस दौरान ट्रक ने पीछे से कंबाइन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल के पुंडरी ब्लॉक में दोहरे हत्याकांड को लेकर मोहाना गांव के लोग पुंडरी विश्राम गृह में इकट्ठे हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों ने कुंडी के विधायक से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने गांववासियों को कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। उन्होंने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पेपला के गांव सीकरी में ऑटोमैक्स कंपनी में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कुंडली बॉर्डर पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में शख्स की बेरहमी से हत्या के मामले में आरोपी निहंग को किमवी सिंगला के कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले में SC ST एक्ट भी जोड़ा गया है। वहीं अब DSP इस मामले की जांच करेंगे। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कुल 37 घाव मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में घटना में शामिल और नामों का भी खुलासा हो सकता है। यमुनानगर में हत्या का मामला सामने आया है, जहां रेलवे पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी 5 माह की गर्भवती पत्नी को एक सड़क हादसे में मरवा दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने उसके पति पर शक जताया और पुलिस के CIA 1 ने जांच में पाया कि मृतक के पति ने ही उसकी हत्या की है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। राजधानी दिल्ली और NCR समेत देश के विभिन्न राज्यों में प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने लगा है। दिल्ली, UP और हरियाणा के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है, जबकि यूपी के मेरठ में हवा की गुणवत्ता में गिरावट होने के साथ AQI 500 के पार है। देश में कोयला संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। देश में कोयला उत्पादन पर एकाधिकार रखने वाली सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने बिजली के अलावा अन्य सेक्टर को कोयले की आपूर्ति पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। 20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को UAE में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विराट ने इस बड़े टूर्नामेंट पर भारत की तैयारियों और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बतौर मेंटर साथ जुड़ने को लेकर बात कही। विराट कोहली ने कहा कि धोनी की टीम के साथ जुड़ने से हर कोई काफी खुश है, धोनी मौजूदगी टीम का जोश बढ़ाएंगे। विराट कोहली ने कहा कि MS धोनी हमेशा ही हमारे लिए मेंटर रहे हैं, ऐसे में उनका अनुभव काफी काम आएगा। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विराट कोहली ने कहा कि फैंस के लिए ये एक बड़ा गेम हो सकता है, लेकिन हम इसे किसी भी सामान्य मैच की तरह ले रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में होने वाले महामुकाबले में कुछ ही दिन बचे हैं। पाकिस्तान की टीम UAE पहुंच चुकी है और भारत की टीम पहले से ही वहां मौजूद है।
इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने मान लिया है कि टी20 वर्ल्ड कप में होने वाले दो देशों के बीच इस मैच में भारत का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद ने माना है कि दोनों टीमों के बीच होने वाले हाई प्रेशर वाले मैच में भारत का पलड़ा भारी है। अजहर का कहना है कि भारत के खिलाड़ी काफी दिनों से यूएई में ही हैं और आईपीएल खेल रहे हैं, ऐसे में उन्हें कंडीशन और बड़े मैच में प्रेशर झेलने का अनुभव होने का फायदा हो सकता है। टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की शुरुआत आज से हो गई है। ये टूर्नामेंट 29 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 16 टीमों के बीच 45 मुकाबले खेले जाएंगे और इसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। पहले ग्रुप में आयरलैंड, नामीबिया, नीदरलैंड्स और श्रीलंका की टीम आपस में खेलेगी। इसमें शीर्ष की दो टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। वहीं दूसरे ग्रुप बी में बांग्लादेश, ओमान, पापुआ न्यू गिनी और स्कॉटलैंड की टीम शीर्ष दो स्थानों के लिए आपस में भिड़ेंगी। इसके बाद सुपर 12 राउंड की शुरुआत होगी। ग्रुप वन में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के अलावा ग्रुप ए की नंबर एक टीम और ग्रुप बी की नंबर एक टीम शामिल होंगी। वहीं ग्रुप दो में भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ग्रुप बी की नंबर दो टीम और ग्रुप ए की नंबर दो टीम हिस्सा लेंगी। शुरुआती राउंड से दो दो टीमों को सुपर 12 राउंड में खेलने का मौका मिलेगा। दोनों ग्रुप के शीर्ष दो दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। इसके बाद खिताबी भिड़ंत होगी। सुपर 12 का राउंड 23 अक्टूबर से शुरू होगा और 8 नवंबर तक चलेगा। वहीं 10 और 11 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबला होगा। वहीं फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज़।